अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम एक क्रिटिकल वीडियो है सोकिया टोटल स्टेशंस, इसको हम पहले सेट करेंगे। फिर उसके बाद हम इसी से ये जो एरिया है इस एरिया का हमने इस बिल्ड उठाना है, मतलब ये जो इंटरलॉक और कर्वस्टोन्स हुआ है ये सारे का हमने इस बिल्ड उठाना है। तो आइए शुरू करते हैं कि हम किस तरह इसको पहले स्टेशन रोटेशन करना है, फिर उसके बाद हम इस बेल्ट किस तरह उठाना है, ठीक है, मतलब टॉप किस तरह करना है। आए शुरू करते हैं। तो ये मैंने सेट किया हुआ है, अभी तो प्रोग्राम में जाना है, मैग्नेट फील्ड में जाना है, इंटर करना है। ओके, अब ये मैग्नेट थोड़ी टाइम बाद ये ओपन हो जाएगा, ये इधर से लॉक हो जाता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लॉक। मैं लॉक करता हूँ टेम्प्रेरी, ये सारा पेज ओपन हो गया। पहले तो आपने जॉब ओपन करना है, तो ये जॉब है, ओपन जॉब जो भी मतलब हो जाए वो ओपन करना है, ठीक है। मेरा जॉब ऑलरेडी ओपन हुआ है, मैंने होम टैब पे आना है। इसके बाद फिर मैंने सेटअप पे जाना है, मैंने मशीन रेडी करना है, और मैंने फिर आना है बैक साइड। ओके, अभी इसमें है ऑक्यूपाइड वारंटेशन, हमारा जो ये जो पॉइंट्स है, हमने जो इधर पॉइंट बनाया हुआ है ये G16 है, और अगर आपने इधर सेलेक्ट करना है तो ये पेज से आप सेलेक्ट कर सकते हो। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेरे पास है 1.473 था। ओके ओके करना है, और ये बैक साइड जो मैंने बैक साइड करना है, मेरा हेल्पर उधर खड़ा है तो उधर बैक साइड करना है, तो वो है G14 नाम है, ऑलरेडी इधर है। और प्रिज्म की जो हाइट है वो 0.70 है। ओके नेक्स्ट करता हूँ, और अभी मैं ये उसी डायरेक्शन में मैं सेट करूँगा, फिर ये सेट करूँगा तो ये हो जाएगा। मैंने सेट करना है, इधर प्रेस करना है। ओके, ये इधर से एरर बता रहे हैं, हॉरिजॉन्टल एरर और है 1 मिली, हॉरिजॉन्टल एरर आ रहे, और नॉर्थिंग में 1 और ईस्टिंग में 2 mm। ओके, तो हमारे ये डेटा रेडी होगा। अभी हमने क्या करना है, स्टेक आउट पे जाना है, पॉइंट पे जाना है, और ये G14 है मैंने स्टेक करना है, और इधर से इंटर प्रेस कर रहे हैं। अभी मैं इसका वो चेक करता हूँ, नॉर्थिंग ये 2 cm बता रहे हैं, ईस्टिंग 1, हॉरिजॉन्टल एंगल और एलिवेशन में 2 mm बता रहे, तो हमारे ये पॉइंट सेट हो गए, ठीक है। अभी हम इस बेल्ट सर्वे शुरू करते हैं, और इस तरह कोई नया जगह हो तो टोपोग्राफिक सर्वे करना हो तो वो भी सिंपल इजी इस तरीके से करना है। अभी मैंने इधर क्रॉस करना है, होम टैब पे जाना है, और इधर मैंने चेक करना है कि मेरा पॉइंट कितना से शुरू होगा। मेरा भी पॉइंट मैंने कल जो काम किया था 205 लास्ट पॉइंट है, ठीक है, तभी मैं स्टार्ट करूँगा। 206 टॉप पे जाना है, और इधर लिखना है 206। ओके, और इधर से ओके करना है, और इधर से भी घुमाना है जिधर मैंने पॉइंट लेना है, तभी शुरू करते हैं भाई। अभी हमने जो पॉइंट मैंने लेना है तो उसका है, मैंने कोड देना है बक्स, तो इधर से मैंने सिंपल क्या करना, कोड लिखना है बॉक्स, और अभी मैंने अब जस्ट क्या करना है, वो पॉइंट को मैंने देखना है कि कहाँ पे, तो मैं पॉइंट देखता हूँ, पीछे हो जाओ। कोशिश करनी चाहिए कि आप जो स्टेक प्रिज्म देखना है तो उसकी जो नीचे से नोक है पहले उनको आपने टारगेट करना है, फिर उसके ऊपर वर्टिकली आपने बिल्कुल सीधा प्रिज्म को लेके आना है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा, इधर से जस्ट इधर से भी आप कर सकते हो, और इसमें एक ऑप्शन है ये जो की है, इस की से भी आप इंटर प्रेस कर सकते हो। मैं इधर से करता हूँ तो आप पॉइंट लेते हैं, ठीक है, अब ये पॉइंट स्टोर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आ गया 207। ओके नेक्स्ट, दूसरा पॉइंट भी मेरा पॉइंट वो आ रहा है दूसरे पॉइंट पर। अभी दूसरा पॉइंट मैंने ऑब्जर्व करना है, तो कोशिश करना है कि एकदम को नीचे नीचे से बिल्कुल
ऑब्जर्व कर लें। मैंने पॉइंट को टारगेट किया हुआ है इस तरीके से, वो भी सेम सेम ये पॉइंट है। मैंने इसके लिए वो जो कोड रखा हुआ है बॉक्स है, ठीक है, तो मैं जस्ट इधर से भी इंटर कर सकते हो और मैं इधर से जल्दी करूँगा तो अच्छा होगा। इंटर प्रेस करता हूँ, ओके। तो ये हमारे पॉइंट, दो पॉइंट है हमने स्टोर किए, ठीक है। अभी इन पॉइंट को अगर आपने देखना होगा क्या ये पॉइंट स्टोर हो गए कि नहीं, मैंने इधर होम टैब पे जाना है और इधर से मैंने एडिट पे जाना है और इधर से मैंने पॉइंट पे जाना है। तो मेरे जो पॉइंट थे मैं इधर से चेक करता हूँ, ये मैंने दो लास्ट पॉइंट ले लिए 206 और 207। अगर मैंने इसको देख कोई एडिट करना है कोई चीज़ में, कोई मुझसे गलती हो गया मतलब कोड का, तो इधर से आप चेंज कर सकते हो। ईस्टिंग नार्थिंग ये आपने ले लिया, ठीक है। तो इसकी ईस्टिंग है, नार्थिंग है और एलिवेशन है। तो इस तरीके से आपने इस तरह इस बेल्ट लेना है, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ आई होगी, फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। आप कमेंट्स कर ले, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको इसका जल्दी ही जवाब दूँगा। नेक्स्ट कोई भी क्वेश्चन हो, कोई वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, अल्लाह हाफिज़।